अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा सेकंड चैनल के बारे में। देखो ये स्क्रीन पे आपको मैंने एक फोटो दिखा दिया है गी के विकास। इस चैनल पे एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन के ऊपर मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो पब्लिश कर रहा हूं और अब तो सोच रहा हूं कि और भी वीडियोस पब्लिश करना शुरू करूं। तो अगर आपको एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और अब बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ, जो की है चेरिस OS 3.1 कस्टम रोम, जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ में आती है। और इसको मैंने अपने डिवाइस पे पूरे एक हफ्ते यूज किया है, आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या कुछ अच्छी बुरी चीजें। और एक चीज तो ऐसी है जो मुझे किसी भी रोम के अंदर देखने को नहीं मिली, इसके अंदर वो देखने को मिलती है और अच्छी चीज है। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और लाइक भी करना, नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको बता दूं एंड्रॉइड 12 की थीम के साथ में आता है मटेरियल यू डिजाइन आपको देखने मिलता है, जिसमें सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं, चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लो। और चेरिस ओएस कोई ऐरा गैरा ओएस नहीं है, मैंने अब से पहले भी इसको दो तीन बार यूज किया, हर बार चीजें तगड़ी ही देखने को मिलती हैं। अब हमेशा की तरह आप सबसे पहले ऐप ड्रॉअर की बात करें तो देखो ऐप ड्रॉअर भाई काफी ज्यादा स्मूथ मुझे लग रहा है। और इवन जबकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने फोन पे ऑन की हुई है, लाइव वॉलपेपर लगाया हुआ, उसके बावजूद भी काफी ज्यादा स्मूथ है, वरना थोड़ा सा एकदम ऐसे हो जाता है खिंचा खिंचा महसूस होने लगता है, स्लो फील होता है। इसके अलावा आप चलते हैं क्विक टॉगल्स में, तो देखो क्विक टॉगल्स मुझे थोड़े से हमेशा से स्लो लगते हैं इस डिवाइस के हिसाब से, और वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्विक टॉगल्स आपको कितने मिलते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो थोड़ा सा बगी आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा, मतलब थोड़ा चिपक चिपक के चलता है, वैसा ही है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके हर काम को करने के लिए आपको क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा वाईफाई मोबाइल डेटा भी आप अलग अलग रखना चाहते हो दोनों को तो रख सकते हो, सिंगल यूज करना चाहते हो तो इंटरनेट वाला आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ओके गूगल, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे जस्ट मेरा पोको M3 रखा हुआ है, उसने सुन लिया, बोला अरे क्या बात है क्या हो गया। तो भाई साहब इसने भी सुन लिया, देखो इसने भी कुछ दिखाया क्या बात है वगैरह करके, हार्डी संधू का सॉन्ग दिखा दिया। तो हाँ इसमें भी काम करता है, पहले मुझे लगा नहीं था काम करेगा लेकिन करता है। नेक्स्ट चीज है इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो हाँ भाई सपोर्ट करता है। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो नहीं, इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग कोई भी देखने को नहीं मिलती, तो आप कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अब चलते हैं इसके सेटिंग्स में और फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ वर्जन वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स में आ गए, अबाउट फोन में आ गए, इसमें आने के बाद में नीचे जाएंगे थोड़ा सा एंड्रॉइड 12 वर्जन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले तो एंड्रॉइड 12 के साथ मिलता है, चेरिस ओएस का अपना वर्जन 3.1 है। सिक्योरिटी पैच की बात करें, जैसा पिछले वीडियोस में आपको बताता था जल्दी ही नया देखने मिलेगा, तो 5 नवंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच हमें मिल चुका है और ये मंथ अभी नवंबर ही चल रहा है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। नीचे कर्नल की बात करते हैं तो 4.19 कर्नल आपको मिलता है, जो कि है एटम XEAS, एटम नहीं है एटम है, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तबियत थोड़ी खराब है तो खिंच रही है चीजें। इसके अलावा बाकी किसी नंबर में इंटरेस्टेड हो तो सब कुछ आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट है प्ले प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, तो डिवाइस इज सर्टिफाइड आपको देखने को मिलता है। हर वीडियो में बताता हूं अच्छी चीज होती है, अगर आपके डिवाइस पे सर्टिफिकेशन नहीं है तो कुछ ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते प्ले स्टोर से, बट अगर है तो आप कर सकते हो। सेफ्टी नेट टेस्ट की बात करें, अगेन सारी चीजें पास है, सब कुछ सक्सेस है, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज है, अगर होती तो इसके चलते आपको बैंकिंग या पेमेंट ऐप जो होती है उनको यूज करने में प्रॉब्लम आती है अगर यहाँ कुछ फेल होता, अभी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट आते हैं नेटिव रूट चेकर पे, तो यहाँ पे आप देखोगे डेंजरस प्रॉप्स इसमें डिटेक्ट होते हैं, तो आपका फोन रूट डिटेक्ट होता है, और ये चीज मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड लगा, मैं चाह रहा था कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखे, फोन में रूट डिटेक्ट ना हो, लेकिन अगेन यहाँ पे होता है। DRM इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सिक्योरिटी लेवल L3 देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कैमरा टू API भी इनेबल मिलता है डिवाइस पे, जो कि हमने पहले कभी इनेबल किया था, हमेशा से इनेबल चला आ रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलती है। गूगल कैमरा आप यूज करना चाहते हो तो हाँ आप यूज कर सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा एंड्रॉइड 12 के साथ में कौन सा गूगल कैमरा कंपेटेबल है, कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे आराम से, बट फिलहाल रिव्यू पे ध्यान देते हैं। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की, तो भाई देखो साउंड क्वालिटी अच्छी है, मैं वैसे तो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ इसको अभी के तौर पे, लेकिन मैं इसमें YouTube चलाता हूँ कभी ईयरफोन के साथ में कभी स्पीकर पे, तो मुझे पता चलता है कि साउंड क्वालिटी अच्छी है, साउंड भी अच्छा है, मतलब मैक्सिमाइज जितना होना चाहिए उतना साउंड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कनेक्टिविटी की, या फिर आपके जो भी चीज़ें होती हैं कनेक्टिविटी से रिलेटेड वो काम करती हैं या नहीं, तो देखो सबसे पहले सिग्नल स्ट्रेंथ बता दूं, यहाँ पे वाईफाई की अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ इस रोम के अंदर आपको मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं मोबाइल डेटा, जो आपके नेटवर्क्स होते हैं उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है, और क्या चीजें काम करती हैं क्या नहीं काम करती हैं, तो देखो हर चीज लगभग काम करती है, चाहे आप वाईफाई की बात करते हो, हॉटस्पॉट की बात करते हो, ब्लूटूथ की बात करते हो, मोबाइल डेटा की बात करते हो,
वाईफाई कॉलिंग की बात करते हो या वॉल्टी की बात करते हो, हर चीज आपको इस डिवाइस पे वर्किंग देखने को मिलेगी। तो हर चीज को आप बिना किसी परेशानी के यूज भी कर सकते हो। और अब है इसके सिक्योरिटी सेक्शन में, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो आपको स्क्रीन लॉक तो नॉर्मल वाले जो होते हैं वो सब देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। फेस अनलॉक जो मैंने बताया था पुराने वाले कस्टम रोम्स के रिव्यू में, वहां पे मिसिंग था एंड्रॉइड 12 में से, इसके अंदर भी मिसिंग है। तो ये चीज एज इट इज अभी चली आ रही है, ना जाने कब जाके किस कस्टम रोम में हमें फेस अनलॉक देखने मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम अपडेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर सिस्टम इज अप टू डेट, तो आपको ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है ओटी अपडेट्स वाला, बट मुझे नहीं पता यहाँ पे अपडेट्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं चेक कर रहा हूँ, और देखो टाइम तो अपडेट हुआ, यानी कि इसने चेक तो किया है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है आपको अपडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट अपडेट्स आप चेरिस ओएस के जो डेवलपर हब होते हैं वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये लोग काफी अच्छा काम करते हैं और काफी अच्छे कस्टम रोम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रैम मैनेजमेंट, तो रैम मैनेजमेंट मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आइडल सिचुएशन में अपने फोन में कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, 77% रैम यूज हो रही है, जबकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ 50 55 60 तक होती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो रैम मैनेजमेंट के मामले में कहूंगा यहाँ पे ये रोम थोड़ी सी डाउन चली जाती है। नेक्स्ट है Geekbench स्कोर, तो अगेन Geekbench स्कोर में भी मुझे इस रोम ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे अगर सिंगल कोर के स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 274 देखने मिलता है, मल्टी कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1005 देखने को मिलता है, जबकि सिंगल कोर पे मैक्सिमम 300 से ऊपर हो सकता था, और अगर मल्टी कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 1100-1200 तक हो सकता था। तो हाँ ये थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम है। अब नेक्स्ट है चार्जिंग टाइम एंड बैटरी बैकअप, तो चार्जिंग टाइम नॉर्मल है, 2.5 से 3 घंटे में आपका फोन चार्ज हो जाता है, लेकिन बैटरी बैकअप कहीं ना कहीं कम है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन ऑन पे लगभग 12% बैटरी आपकी 1 घंटे में जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है, नॉर्मली 9 या 10 रहता है। वहीं अगर नीचे आप आते हैं ओवरऑल टाइम की बात करें तो लगभग 8.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जबकि मैं काफी सारे कस्टम रोम में 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे तक भी देखने को मिल जाता है। कंबाइन यूज की बात करते हैं तो 44 घंटे के समथिंग हमें मिलता है, जो कि 2 दिन से कम है, जबकि ज्यादातर रोम्स के अंदर ये 50 घंटे से ऊपर चला जाता है। तो बैटरी बैकअप हाँ इसने बिल्कुल सही दिखाया है, कम है, और मैंने ये चीज पर्सनली खुद भी नोटिस की है। परसों मैंने फोन को चार्ज किया था और आज सुबह फिर चार्ज किया, जबकि बहुत कम यूज करता हूं मैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो देख रही है 1-2 घंटे ज्यादा से ज्यादा इस फोन के साथ में, और बैटरी डाउन हो जाती है। तो हाँ ये एक डाउन साइड मुझे इस रोम में लगा है। और अब जो अच्छी चीज के बारे में आपको शुरू में बता रहा था वो क्या है, कस्टमाइजेशन। आपको एंड्रॉइड 12 के अभी तक जितने भी कस्टम रोम मैंने रिव्यू की थी कहीं भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो चेरिस सेटिंग्स, तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। काफी सारी कस्टमाइजेशन ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं, या जिनके अंदर आपको सिर्फ बाहर लिखा हुआ मिलेगा, अंदर कोई फीचर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चीजें अभी उतने अच्छे से एंड्रॉइड 12 पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, उसके चलते ऐसा हो सकता है। बट अगेन यहां आपको कस्टमाइजेशन काफी सारी देखने को मिलती है, जिसमें से मैंने अपना ट्रैफिक इंडिकेटर ऑन किया हुआ था, जो कि शायद अभी बंद किया हुआ है, नहीं ऑन है, आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर रही है। बट यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने मिलती है, इसका मतलब ये है इन फ्यूचर और भी ज्यादा अपग्रेड हो सकती है, और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, और बाकी कस्टम रोम्स के अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन जल्दी ही देखने को मिलेंगी। और अब बात कर लेते हैं गेमिंग की, तो भाई देखो गेमिंग के हिसाब से मैं आपको ये रोम रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप है, या रैम मैनेजमेंट है, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और इवन मैंने इस पर ट्राई किया था, पबजी तो नहीं ट्राई किया था, पबजी न्यू स्टेट अब आ गया वो मैंने ट्राई किया था, तो एंड्रॉइड 12 के काफी सारे फोन्स के साथ में दिक्कत है कि पबजी न्यू स्टेट नहीं चल रहा है, बहुत सारे फोन ब्रिक भी हो रहे हैं उसके चलते। तो मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि आप अभी के लिए ट्राई करो, जब कोई तगड़ी खबर आती है निकल के कि जब चला सकते हो तब ट्राई कर लेना। मैंने ट्राई किया था तो कुछ उल्टी सीधी चीजें दिखती है, मतलब टेक्स्ट भी फटाफटा सा दिखता है, खिंचा खिंचा सा दिखता है, और फाइनली गेम हमारा सर्वर क्रैश कर जाता है, जबकि बाकी फोन के अंदर गेम अच्छे से चल रहा है, एंड्रॉइड 12 पे काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बस यही था चेरिस ओएस 3.1 विद एंड्रॉइड 12 का रिव्यू। उम्मीद करता हूं आपको जो भी चीजें जाननी थी इस रोम के बारे में वो मैं आपको बता पाया हूं, और अगर भी कुछ बाकी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इन फ्यूचर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।